गया। और जब वो बेड पे सोता है ना तो उसके बाजू में कोई नहीं सो सकता, क्योंकि उसको पूरा बेड चाहिए होता है सोने के लिए। किस किस के घर में छोटे भाई बहन पूरे बेड पे कब्जा कर लेते हैं? और हमारा चीकू बेबी सिर्फ बेड पे कब्जा नहीं करता है, बेड पे सुसु कर करके अपना इलाका डिजाइन करता है। वैसे आपको पता है मैं कौन से रूम में हूँ? ये है ना मेरी सीक्रेट रूम है। वैसे अभी तो ये पूरी बनी नहीं है, लेकिन है ना जैसे ही ये पूरी बन जाएगी ना तो मैं यहाँ पे आके बैठूंगी ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं ये रूम में हूँ। और मेरे सीक्रेट रूम से सामने का व्यू देखो कैसा है। वाला है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज का मेरा दिन ये डेंजरफुल होने वाला है? सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही है, देखते हैं। तो अभी है ना सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जाती हूँ टेरेस पे जाके ना वर्कआउट करके आती हूँ। क्योंकि क्या है, सुबह सुबह अगर मैं वर्कआउट करूंगी ना तो पापा भी एकदम खुशम खुश रहते हैं, ज्यादा डांटते नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आज टेरेस पे वर्कआउट करने के लिए। और आज का जो मौसम है ना वो एकदम औसम वाला है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन छोड़ो, मुझे है ना अभी जल्दी से वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो हम वर्कआउट कर लेते हैं। चलो तो योगा से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये जो चक्रासन होता है ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इससे है ना पूरे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। एकदम स्लिम ट्रिम टमी के लिए है ना क्रंचेस बहुत जरूरी है। डेली 50 क्रंचेस मारो, टमी कभी बाहर नहीं आएगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है स्क्वैट्स। स्क्वैट्स मारने से बॉडी को परफेक्ट शेप आ जाता है। बाप रे, पैरों की पूरी वाट लग जाती है वर्कआउट करते करते, लेकिन कोई बात नहीं। आज का जो मेरा वर्कआउट था वो एकदम कंप्लीट हो गया है। अभी है ना मैं नीचे चलती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ। क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए, रखूं छुपा के सबसे मैं वो लैला, मांगू जो मांग सकूं रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तुमने क्या सोचा चीकू बेबी को ये गाना नहीं आएगा नया वाला? लेकिन चीकू बेबी को सब आता है ना, चीकू बेबी को के बहुत इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट। आजकल ना सभी लड़कियां ना ये गाने के ऊपर रील्स बना रही। तो ये देखो, ये रहा मेरा गरम पानी और एक एप्पल। तो सुबह सुबह है ना मैं यही खाती हूँ। जल्दी से रेडी हो जाना, वैक्सिंग करवानी को। नहीं मम्मी मुझे नहीं करवानी। नहीं ना मुझे नहीं करानी। अरे यार ये क्या बात हुई, मुझे नहीं करानी। वैक्सीन से सबसे ज्यादा डर लगता है। ये लड़कियों के ना अलग ही नखरे रहते, पता नहीं ये वैक्सीन बोले तो क्या है। अभी कराना जरूरी है। हाँ फिर नहीं करवानी भी वैक्सीन तो मुझे वीडियो बनाती नहीं करवाई तो नहीं कराई चीज नहीं। अरे नहीं करना यार दीदी, क्या है हाँ कराई। ठीक है मैं आई चेंज करके। तू आ रही है तुझे करते वाली सबसे बड़ा हाँ यार ये क्या बात हुई, मुझे नहीं करानी है वैक्सीन। यार किस किस को वैक्सीन से डर लगता है बताओ यार गर्ल्स कमेंट में। लेकिन करानी तो पड़ेगी, वैक्सीन कराना भी ज़रूरी है। ठीक है चलो रेडी हो जाते हैं और वैक्सीन कराने चलते हैं। मन नहीं है फिर भी रेडी हो गई हूँ मैं। चल जल्दी से। हाँ क्यों कराते हैं यार ये वैक्सीन, किसने निकाला है? दीदी तुझे दिख रहा नहीं क्या मैं आई? कोई ना इसे मिर्ची कूटना सिखा रहा है इधर। जा तू तेरी वैक्सीन करा के आ, फिर तेरे हाथों में ना अपन मिर्ची का लेप लगाएंगे, उससे तेरे हाथों को ना ऐसे ठंडक पड़ेगी, ठंडक। दीदी तो पूरा सेटअप ही रेडी कर रही है उनका। रेडी स्टेडी गो। मिशन से कम नहीं है वैक्सीन कराना। नहीं कुछ नहीं, आज के दिन ही आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं, एकदम ओके लगेगा। तो चलो मेरे हाथों से वैक्सीन की शुरुआत हो रही है और अभी बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। जीने की चाहत ना होती, ममा तुम ना होते, ममा तुम ना होते। ये सब इधर क्या हो रहा है? इतने सारे लेडीज लोगों ने इधर ऐसे भीड़ क्यों लगाई इतनी? लगता है ये ना दीदी के धुलाई की तैयारी करे। हाँ ममा हाँ, दीदी के ना ऐसे धुलाई कर डालो, पीटो ऐसे दीदी को पकड़ के डिपाटी। मैं ऐसे इधर है ना दूर से देखूंगा, नहीं तो ये मेरी भी वैक्सीन कर डालेंगे। गरम है बिल्कुल, मैं वैक्सीन करा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है कुछ नहीं होगा, होगा। मम्मी अब आप बोलना मत, मैं इतना क्यों चिल्ला रही हूँ, आप नहीं समझ सकती मेरा दर्द। मम्मी हो गया चिकू, क्या हो रहा? देखो नानी भी आ गई। हड़ो हड़ो कर गया भाई। हंसत हंसत बसती है, दम मन कर झड़प नहीं। चिकू देखिए क्या हो रहा, सर्कस हो रहा है, सर्कस। जरूर झाले ते आई तू करायची का वॅक्सिन? काय करायची बाई, मला म्हातारपण। मैंने नानी से पूछा कि आप करोगे क्या वैक्सीन? तो नानी बोल रही है मुझे क्या करना है इतने बुढ़ापे में वैक्सीन करके। आई तुझ्या वयाच्या पण करता बायका वैक्सीन? हो खूप करत असेल बायका, त्यांना का माहित। हेअर कलर करायला का बे का बाई, आप दगड घ्यायचा आपला खसखस घासायचं निघून जाते, काय करायचं हे असलं। मैं भी है ना इधर ही रुकूंगा और ये ना पूरी वैक्सीन सीख लूंगा मैं कैसे करते हैं उसको, और फिर मैं भी है ना वैक्सीन की दुकान खोलूंगा और सारे छोकरे लोगों की है ना ऐसे सर की वैक्सीन करूंगा मैं ऐसे खचाखच। मैंने भी अभी है ना वैक्सीन सीख ली, पहले वो क्रीम को गर्म करने का, फिर उसको है ना वो हाथ के ऊपर लगाने का, फिर उसके ऊपर है ना वो वैक्सीन का कपड़ा रखने का, ऐसे खचाक से खींच डालने का, हो गया। दी बताओ वैक्सीन करना क्यों जरूरी रहता है? अपना जो धूप में जाते हैं हम बाहर, टाइम मिलता नहीं है, यानी घसके निकाले तो स्किन पे रैशेज वगैरह आ जाती है, वैसे भैंस किया तो कैसे रैशेज वगैरह नहीं, टैन भी निकल जाता है। और किसी किसी का बोलना क्या रहता है कि बाल ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन बाल वगैरह नहीं आते हैं, टैन निकल जाता है, ब्लैकनेस वगैरह हो जाते हैं, वो निकल जाता है, इसके लिए वैक्सीन कराना जरूरी है। अच्छा। और सबके माइंड में ऐसा रहता है कि ग्रोथ बालों की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो वैसा नहीं रहता है, तो माइंड में से निकाल देना कि ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ कुछ नहीं कम होती है। अच्छा। और लेजर वगैरह यूज करते हैं तो उससे थिक बाल आ जाती है। अच्छा। तो और स्किन प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इसके लिए। और मम्मी ने मुझे बोला है कि वैक्सीन कराना जरूरी है, अभी वो मम्मी बताएगी जरूरी क्यों है, मम्मी बताओ आप। अभी तेरी उम्र की सारी लड़कियां सोचती कि पार्लर में जाना अच्छा नहीं है, वैक्सीन कराना अच्छा नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं रहता, वैक्सीन कराना जरूरी रहता है। धीरे धीरे ना वैक्सीन करवा करवा के पूरे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। एकदम दाट केस दिसताय का हे दाट येऊन गेले तिला। आणि वैक्सीन कराते हैं ना तो ये जो आते लेयर अपनी बालों की तो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट रहती है। और ये आप देखो कैसे अब जो आएंगी ग्रोथ वो आपको हाथ को नहीं लगेंगी। सपोज मेरी देखो कुछ लग रहा है, सॉफ्ट लगते हैं, और लेजर से करवाएंगे ना तो एकदम छुपते खीले के जैसे इसीलिए वैक्स कराना जरूरी है। ओके गर्ल्स समझ रहे हो, इसीलिए वैक्स कराना जरूरी है, टैनिंग के लिए भी और बालों के लिए भी, यानी ग्रोथ कम होती है कराने से। तो मम्मी ने बोला वैक्स कराना जरूरी है इसीलिए मैं वैक्सिंग करा रही हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैक्सिंग कराना। अभी तो सिर्फ हाथों की वैक्सिंग चल रही है और हाथों की वैक्सिंग में इतना कुछ नहीं लगता है, बट जब लेग्स की वैक्सिंग करते हैं तो बहुत दर्द होता है। हो गया राम बचाओ कोई, चिकू बचा ले मेरे को। बेबी चले जाओ, अभी इधर कुछ काम नहीं है, निकल चल निकल, हो गया तेरा कुछ काम ही नहीं था स्टार्टिंग से यहाँ पे, बाय। मामा मुझे नहीं जाने का है बाहर, मुझे तो नहीं यहाँ पे बैठ के पूरी वैक्सिंग सीखने की है। मैं वैक्सिंग नहीं सीखूंगा तो फिर मैं दुकान कैसे खोलूंगा वैक्सिंग की। मैं नहीं जा रहा बाहर, ये बंद कर दे दरवाजा, मुझे नहीं जाने का बाहर, मुझे वैक्सिंग सीखने की है। देखो हाथों की वैक्सिंग हो गई, अभी है ना पैरों की वैक्सिंग कर रहे हो। और मुझे है ना सच में बहुत डर लग रहा है क्योंकि है ना पैरों के जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है और मेरी बहुत फट रही है वैक्सिंग करने में। बाप रे कैसे होगी पैरों की वैक्सिंग? होगी एकदम फर्स्ट क्लास। मम्मी क्यों बोला आपने वैक्सिंग करने के लिए? मम्मी कोई बोलेगा कितना मार दिया तुझे। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। हो गया कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। आप ही देखो गर्ल्स, ये देखो। करने के लिए दर्द भी उतना ही होता है। दोनों पैर में डिफरेंस देखो कितना है। और जो बालों की ग्रोथ थी वो भी निकल गई और अब इससे आगे जो ग्रोथ होगी वो इतनी नहीं होगी, कम होगी। ये चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, अब इसे केयर करें तो आगे चल के ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, दीदी ने सही कहा है। हे माँ माता जी, हो गया। कब से हो गया, हो ही नहीं रहा है जल्दी। ये लास्ट पैर है आपका। लास्ट पैर कितने पैर किया? इतना सब डांसी पैर पे ही निकला है, इतने ही पैर पे निकला। बाप रे सच्ची बहुत ही भयंकर चीज है वैक्सिंग कराना, लेकिन जरूरी होता है तो कराना ही पड़ता है। देखो ना टाइम पूरा निकल गया मेरे पैर पे का। चलो तो हो गया मेरा वैक्स, अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी है ना धीरे वैक्सीन लगा रही है ताकि है ना रेडनेस ना आए ज्यादा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन कराई है ना तो रेडनेस आ जाती है, इसीलिए तभी मैं जाऊंगी और सीधा नहा के आऊंगी। तो कल है सोनल दी का बर्थडे, हम है ना उसको एक मस्त सा सरप्राइज देने वाले और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वेट करना आप लोग बस। और हाँ प्रोबो के बारे में बताया था ना, जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो और 50 रुपीज़ का वेलकम बोनस पाओ। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट 1 लाख लाइक तो बनते हैं यार, जल्दी जल्दी लाइक करो। थैंक यू, बाय।